सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कल पढ़ रहे थे प्रत्यक्ष प्रमाण, फिर अनुमान प्रमाण, और आज है फिर आप्तोपदेश है शब्द शब्द प्रमाण। आप्तों के उपदेश को शब्द प्रमाण कहा है। और आप्त वो होते हैं, हाँ बोलो, जिसमें भ्रम प्रमाद विलिप्सा ये दोष जिनमें नहीं होते हैं वो आप्त पुरुष होते हैं। ओम दीदी प्रणाम जी। पिछली कक्षा में ईश्वर निमित्त कारण है करके पढ़े थे हम, तो साधक के मन में तो जैसे कि सब भावना वही करते हैं कि सृष्टि करता वही है, उत्पत्ति करता वही है, सब चीज़ का मूल वही है करके, तो इसमें हम प्रकृति को ही उपादान कारण मानते हैं और परमात्मा को निमित्त कारण। तो ये तो हम फिर अज्ञान हो गया, फिर हम जो भावना करते हैं गलत भावना करते हैं, फिर सब चीज़ ईश्वर, जब हम ध्यान आदि करते हैं तो ईश्वर को सब कुछ मान के करते हैं, तो ये तो फिर मिथ्या ज्ञान हुआ ना, वो मात्र निमित्त कारण मात्र है, ऐसा ध्यान करना चाहिए फिर तो हमें। जिसको ये ज्ञान हो गया, जब आपको कारणों के ऊपर ध्यान करना हो तो ऐसे ही करना कि उपादान कारण तो प्रकृति है और निमित्त कारण परमात्मा है, तो आपके ध्यान का विषय क्या है उस पर डिपेंड करता है। जिस दिन आप इस सृष्टि के कारणों के ऊपर ध्यान करें तो फिर यही प्रक्रिया है कि उपादान तो प्रकृति है। इस चीज़ को जानने के बाद ये होता है ना कि पूरा ईश्वर मूल में नहीं है सब चीज़ के करके, अगर उपादान कारण ना होती तो ईश्वर भी सृष्टि का निर्माण नहीं कर पाते। और क्या, मिट्टी ना हो तो कैसे कुम्हार बना देगा घड़ा, तो है ही। तो इसमें एक जो पूर्ण श्रद्धा वाली भाव अगर इन दोनों तत्वों को रखे तो वो नहीं बन पाती जो हमारी पहले थी। क्यों नहीं बन पाती बताओ, ये कोई बात हुई? बोल जी, जो है ना घड़े का बनाने वाला तो कुम्हार ही है, लेकिन जिस दिन से ये पता लगा कि वो मिट्टी से घड़ा बनाता है उस दिन से कुम्हार के प्रति श्रद्धा चली गई, कैसे जा सकते। इस उदाहरण में नहीं दीदी, लेकिन ईश्वर को देखे और प्रकृति को तो फिर थोड़ा सा, क्या मतलब आज तक ये नहीं पता था कि प्रकृति नाम की भी कोई वस्तु है? लेकिन सब चीज ईश्वर से है ये मानते हैं ना, प्रकृति अलग है, उनका अलग अस्तित्व है, वो अनादि है, ये तो बहुत पहले पता लग गया था। लेकिन भावनाएं सब चीज के मूल में ईश्वर ही थी पहले, कि सब चीज के मूल ईश्वर में है करके। कोई नहीं, एक और मिला लो प्रकृति को और मिला लो। ऐसा एक प्रश्न उठा मन में, इसलिए मैंने आपसे पूछा। ठीक है, प्रकृति माता का भी धन्यवाद करो, वो भी माँ है। बाधा क्या आ गई? बाधा कुछ नहीं आ रही, लेकिन ये जो भावना बनती है ना कि ईश्वर ही सब कुछ के तो प्रकृति को भी तो प्रेरणा देने वाला सर्वशक्तिमान तो वही है, प्रेरणा वही देता है ना, वो तो जड़ है अपने आप में, उसकी कोई शक्ति थोड़ी ही है, वो तो साधन बनती है अपने आप में। तो साधन हमेशा किसके लिए होते हैं? चेतन के लिए होते हैं ना, तो वो तो साधन बनी हुई है हम सब के लिए, वो तो जड़ है। और वो जड़ है, इतना अस्तित्व तो मानो बेचारी का कि उतना भी नहीं मानोगे। शरीर जड़ है हमारा, लेकिन शरीर हमारा साधन तो है, तो साधन रूप में तो मानो शरीर को कि आत्मा ही सब कुछ है।
ठीक है, आत्मा की प्रेरणा से, आत्मा की शक्ति से, सामर्थ्य से चल रहा है शरीर, ये तो ठीक है, पर है तो शरीर, अस्तित्व तो मानो उसका कि नहीं मानोगे, फिर क्या बात है। ठीक है, दोनों मानो, चलें आगे। हाँ, माइक पास कर दो। ओम दीजिए। दीदी, ये अग्नि का संबंध धुआं से नित्य है? हाँ, तो जब नित्य है तो देखा जाता है कि जहाँ अग्नि वहाँ धुआं भी नहीं रहता। अगर ना वो सूक्ष्म रूप में होती है, कहीं कहीं तो मतलब बादल सा दिखता है, जैसे आग अगर लोहा तप रहा है वहाँ भी होती है सूक्ष्म रूप में, और जैसे थोड़ा थोड़ा सा आपको दिखेगा, लेकिन सूर्य जलता रहता है नित्य, लेकिन उसमें धुआं तो है नहीं, वहाँ भी सूक्ष्म रूप में है। सूक्ष्म रूप में कैसे पता है? जैसे हीटर जलाते हैं ना, तो वहाँ इस तरह इस रूप में तो धुआं दिखता नहीं है, पर सूक्ष्म रूप में दिखता है वहाँ भी, तो इसका नित्य साहचर्य है। नहीं तो धुआं सूर्य का तो खैर मैं नहीं कह सकती हूँ, पर पृथ्वी लोक के जितने भी अग्नियां हैं उन सब में तो जहाँ अग्नि है वहाँ धुआं होता है। तो ये सिद्धांत तो खंडित हो जाएगा ना, सूर्य में अग्नि है लेकिन धुआं नहीं है। तो वस्तु पर डिपेंड करेगी, वस्तु क्या जल रही है इस पर डिपेंड करेगा कि धुआं है। टायर जलेगा तो काफी काला घना धुआं होगा, कागज जलेगा तो कुछ हल्का धुआं होगा, धुआं तो है, लेकिन ये अब अग्नि में लोहा तप रहा है, सूर्य जल रहा है, धुआं नहीं है, तब तो वस्तु पर डिपेंड कर रही है। ऐसे पता नहीं है ना मुझे कि वहां भी ऐसी कोई आग लगी हुई है। अग्नि की लपटें वहां कई किलोमीटर तक उठती हैं, मुझे नहीं पता ऐसे, लेकिन धुआं का आज तक नासा ने नहीं कहा कि धुआं भी देखा गया है या सूक्ष्म में भी धुआं देखा गया, ऐसा भी यहाँ तो होती है। जैसे उसमें धुआं देखा नहीं जाता ना, हीटर जैसे जलता है या कोयले जल रहे हैं, तो देखने में तो ये लगता है कि वहाँ धूम नहीं है स्थूल रूप में तो, पर जिन्होंने शोध किया वो कह रहे नहीं वहाँ भी होता है। कोयले में भी क्वालिटी होती है, हेमेटाइट जलेगा धुआं बिल्कुल नहीं होगा, और लिग्नेटाइट होगा तो सिद्धांत धुआं होगा, नहीं हुआ देख नहीं सकते, सिद्धांत तो खंडित नहीं हुआ, थोड़ा या ज्यादा की कोई बात नहीं है तो। लेकिन नहीं तो अगर कोई व्यक्ति कहे कि कहाँ धुआं दिखा ये सूक्ष्म में, तो वो तो ऐसा पूछ सकता है ना, और अगर आप नहीं दिखा पाए तो कहेगा तो खंडित है फिर। और विचार कर लेंगे इसके ऊपर, जहाँ जहाँ आग है वहाँ वहाँ धुआं होता है, पर वो जो आप बात कह रहे हो कि देखने वाला तो स्थूल को देखेगा, तो स्थूल नहीं दिखा पाएंगे तो खंडित हो जाएगा हमारा सिद्धांत अन्वय से। और जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है, ये तो खंडित नहीं होगा ना। हाँ वो तो ठीक है, वो तो ठीक है। केमिस्ट्री नहीं पढ़ेगा ना जो वाद करने वाला है, फिजिक्स का चैप्टर है ये, केमिस्ट्री का नहीं। फिजिक्स का चैप्टर है, केमिस्ट्री का नहीं। कोई बात नहीं, वो आप कर लेना उसका निर्णय। पर जो अन्वय व्याप्ति से जो पंचावयव रखा जाता है, उस पंचावयव में ये खंडित हो जाएगा कि जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ वहाँ धूम है, जबकि प्रकाश दिखा नहीं पाएगा उसको। प्रकाश और उष्मा का संबंध तो नित्य है, अग्नि जलती है तो प्रकाश हो जाता है। ठीक समझे आप, ऐसा ही उष्मा का संबंध नित्य है तो धूम का भी नित्य है, लेकिन जब आप इस तरह से पंचावयव से उसको रखेंगे तो आपको बहुत सारी अग्नियां ऐसी मिलेंगी जहां पर अग्नि तो दिखाई देगी, धूम दिखाई नहीं देगा, और तो उसको हम ये कहकर के सिद्ध नहीं कर पाएंगे कि यहां पर भी सूक्ष्म रूप में है। अपने नॉलेज के लिए तो ठीक है, विद्युत भी तेज का ही रूप है, लेकिन जब बल्ब जलता है तो वहां भी धुआं नहीं होता। होती है वहां भी होती है, इस पार करने पे होगा ना, वो तो स्पार्क करने पे तो स्थूल दिखाई देती है, पर अभी जो है ना इस रूप में भी उसमें भी होती है, पर वो सूक्ष्म होती है। तो हमने मान ली आपकी बात, हम पराजय स्वीकार करते हैं कि जरूरी नहीं है जहाँ जहाँ अग्नि हो वहाँ वहाँ पर स्थूल रूप में धूम भी दिखाई दे, तो ये हमारा सिद्धांत खंडित हो गया है पंचावयव की दृष्टि से, ये मान लिया है हमने। और बताओ, ठीक है, ये अन्वय और व्याप्ति से देखना होता है ना,
जिसके होने से भी हो ना होने से भी हो, तो धूम के होने से भी अग्नि होती है, धूम के ना होने से भी अग्नि होती है, पर धूम अग्नि के होने से ही होता है, अग्नि के न होने से धूम कभी नहीं होता है। तो ये जो पहले वाला है कि जहां जहां आग है वहां वहां धुआं है, ये वाला पंचावयव खंडित हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। तो चलो आगे, और तो नहीं है किसी का प्रश्न? चले चलिए, आप्तोपदेश शब्द है, आप्तों के उपदेश को शब्द प्रमाण कहा जाता है। तो ये आप्त कैसे होते हैं ये आपने कई बार पढ़ लिया है। तो प्रमाणों के प्रतिपादन का प्रयोजन, ये इनका प्रमाणों का प्रयोजन क्या है? प्रमाण किसके लिए होते हैं? किसी पदार्थ के यथार्थ रूप को जानने के लिए, तत्व ज्ञान के लिए। तो प्रमाणों के प्रतिपादन का प्रयोजन स्वयं सूत्रकार ही बता रहे हैं। सूत्र बोलिए, उभय सिद्धि प्रमाणात् तदुपदेशः। कह रहे हैं प्रमाण से उभय सिद्धि, जड़ और चेतन दोनों की सिद्धि। सांख्य दर्शन की दृष्टि में दो ही पदार्थ है ना, एक जो जड़ है उसके तो 23 पार्ट आगे हो गए पंचभूत तक, तो कुल मिला के 24 मूल प्रकृति को मिला करके, और एक इनसे दोनों से अलग पुरुष। तो कह रहे हैं इन दोनों की उभय सिद्धि, चेतन अचेतन दोनों की सिद्धि होती है। किससे? प्रमाणात, प्रमाण से। इसलिए तदुपदेश, इसलिए प्रमाणों का उपदेश किया यहाँ पर। तो प्रमाण से जड़ चेतन दोनों पदार्थों की सिद्धि होती है, इसलिए उपदेश दिया। दर्शन शास्त्र का ये साधारण नियम है कि प्रत्येक वस्तु की यथार्थता का निश्चय प्रमाण के बिना नहीं हो सकता। चेतन अचेतन इन दो वर्गों में समस्त विश्व का समावेश है, इसलिए दोनों की यथार्थता का निश्चय प्रमाण के द्वारा किया जा सके। इसी प्रयोजन से इन्होंने प्रमाणों का उपदेश दिया। अब मूलभूत प्रकृति और चेतन का ज्ञान ये किस प्रमाण से होता है? तो सूत्रकार बता रहे हैं, सामान्य तो दृष्टात उभय सिद्धि ही। सामान्य तो दृष्ट नाम का जो अनुमान प्रमाण है, अनुमान प्रमाण के कितने भेद हैं? कौन कौन से? पूर्वत शेषवत सामान्य तो दृष्टम च। तो जो तीसरे वाला है सामान्य तो दृष्ट, उससे उभय सिद्धि ही, चेतन अचेतन दोनों की सिद्धि हो जाती है। सामान्य तो दृष्ट अनुमान से अचेतन प्रकृति और चेतन पुरुष दोनों की सिद्धि होती है। तो ये तीन प्रकार का अनुमान होता है, तो पहले ये दो बताए और फिर ये देखो बीच में मैं आ गई हूँ सामान्य तो दृष्ट पर। जैसे हम इस बात को प्रत्यक्ष देखते हैं कि लकड़ी कुल्हाड़े से काटी जाती है, तो काटना कार्य है और कुल्हाड़ी उसका साधन है। कुल्हाड़ी काट सकती है और काटना ये बिना कुल्हाड़ी के नहीं हो सकता, काटना जो क्रिया है तो कुल्हाड़ी उसका साधन बन गई। तो इनके नियत साहचर्य को देख करके, इनका नियत साहचर्य क्या बना कि जब जब भी काटना क्रिया निष्पन्न होगी तब तब उस क्रिया के साथ कुल्हाड़ा रूपी साधन जरूर जुड़ेगा, बिना किसी साधन के ये काटने वाली क्रिया नहीं संपन्न होगी। तो एक सामान्य नियम का निर्धारण किया जाता है कि प्रत्येक कार्य का कोई साधन अवश्य होता है, साधन के बिना कोई क्रिया नहीं होती है, ये एक नियम बना। साधन के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता, इस नियम का अदृष्ट पदार्थ की जानकारी के लिए प्रयोग किया जाता है। कैसे? छिदी क्रिया के समान रूप दर्शन भी एक कार्य है। जैसे हमें किसी रूप को देखना है, रूप का दर्शन करना है, जैसे मानो मुझे इस पौधे के रूप को देखना है, तो इसको देख, ये देखना एक क्रिया है ना, तो इस क्रिया के लिए मुझे कौन से साधन की जरूरत है?
चक्षु इंद्रिय की। तो कह रहे हैं कि छिदी क्रिया के समान रूप दर्शन भी एक कार्य है, जैसे छिदी क्रिया के साथ उसके साधन कुल्हाड़े को हमने प्रत्यक्ष से जाना, वैसे रूप दर्शन के साधन चक्षु इंद्रिय को कभी प्रत्यक्ष से नहीं देखा गया। किसी ने भी आज तक अपने चक्षु इंद्रिय का प्रत्यक्ष किया? देख ही नहीं सकते हैं ना उसको, शीशे में देखते हैं, प्रत्यक्ष नहीं देख सकते हैं। लेकिन फिर भी पूर्वोक्त नियम के अनुसार कोई कार्य बिना साधन के नहीं हो सकता। हमें रूप तो दिखाई दे रहा है ना, ये पौधा दिखाई दे रहा है, दीवार दिखाई दे रही, सब चीजें दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो दिखाई देना, ये जो क्रिया है, इसके पीछे जरूर कोई साधन भी है, और वो साधन क्या है? चक्षु इंद्रिय। चक्षु को नहीं देखा हमने, पर इसको साध्य को देख करके साधन का ज्ञान होता है, इसको कहेंगे सामान्य तो दृष्ट। जैसे वहां देखा, वहां कुल्हाड़े को भी देखा और कटने वाली क्रिया को भी देखा, तो ये वहां पर ये निश्चय हो गया कि जब कोई क्रिया होती है तो उसके लिए कोई ना कोई साधन होता है। साधन के बिना कोई कार्य नहीं होता है, कोई क्रिया नहीं होती है। तो यहाँ पर भी एक क्रिया हो रही है, देखना रूपी क्रिया हो रही है, तो इसका साधन क्या है? चक्षु इंद्रिय, इसको सामान्य तो दृष्टि कहते हैं। तो पूर्वोक्त नियम के अनुसार कोई कार्य बिना साधन के नहीं हो सकता। हम रूप दर्शन कार्य से अतीन्द्रिय चक्षु इंद्रिय का अनुमान कर लेते हैं, ये सामान्य तो दृष्ट अनुमान है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कोई भी कार्य अपने सजाती, ये अतीन्द्रिय की बात कर रहे हैं, चक्षु की, गोलक की बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हम कहें कि जी ये तो दिखाई दे रही है चक्षु इंद्रिय हमें गोलक के रूप में, तो ये तो फिर जो प्रज्ञा चक्षु होते हैं, जिनको अंधे व्यक्ति कहते हैं, उनके पास भी होता है, तो उनको तो दिखाई नहीं देता है रूप। तो इसका मतलब चक्षु इंद्रिय, तो इसके भी अंदर कोई सूक्ष्म शक्ति है, उस सूक्ष्म शक्ति का भी साधन ये बनता है गोलक, तो उसका अनुमान हो रहा है। वैसे ये भी नहीं दिखती है व्यक्ति को, तो अपना गोलक भी खुद को तो नहीं दिखता है, वो भी किसी दूसरे की सहायता लेके देखना पड़ता है। पर ये दिख भी जाए, इसको देखना मान भी लें यदि, तो भी जो इसके अंदर जो सूक्ष्म शक्ति है चक्षु इंद्रिय वाली, उसका अनुमान करना पड़ता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कोई भी कार्य अपने सजातीय कारण से उत्पन्न होता है, या ये कहें कि प्रत्येक कार्य का उपादान कोई सजातीय पदार्थ होता है। सजातीय मतलब जो कार्य में आया है उसी जाति वाला कारण होता है, जिस रूप वाला कार्य दिखाई दे रहा है। जैसे ये कह रहे हैं, जैसे कुंडल रुचक सोने के हैं, स्वर्ण से बने हैं, घट मृणमय है, मिट्टी से बना है, तो दृष्ट पदार्थों में माने मिट्टी वाला जो घट है वो सोने से नहीं बन सकता है। सोने से सोने का घट तो बन सकता है, पर मिट्टी वाला घट, यदि घट में मिट्टी दिखाई दे रही है तो कारण भी क्या रहा होगा? मिट्टी ही रहा होगा। दृष्ट पदार्थों में अनुभूत इस सामान्य नियम का हम अदृष्ट पदार्थों की जानकारी के लिए प्रयोग करते हैं। जगत का प्रत्येक पदार्थ त्रिगुणात्मक देखा जाता है, तो वही पदार्थ किसी के लिए सुखकारी, किसी के लिए दुखकारी और किसी के लिए उपेक्ष। तो ये किस कारण से होता है? सत्वरजतम के कारण, यही सत्वरजतम का स्वरूप है। तो यद्यपि जगत को हमने कभी उत्पन्न होते नहीं देखा, पर पूर्वोक्त सामान्य नियम के अनुसार त्रिगुणात्मक जगत के किसी ऐसे ही अतीन्द्रिय मूल उपादान का अनुमान कर लेते हैं। ये जो वस्तुएं किसी को कोई चीज सुखदाई दिखाई देती है या दुखदाई दिखाई देती है या उपेक्षा रूप में दिखाई देती है, तो ये उस वस्तु के सत्व रजतम के कारण दिखाई देती है या हमारे सत्व रजतम के कारण दिखाई देती है? वस्तुएं सात्विक राजसिक तामसिक होती हैं या हमारा चित्त सात्विक राजसिक तामसिक होता है? वस्तु, अगर वस्तु सात्विक राजसिक तामसिक है तो वो दूसरे को कैसे दूसरी दिखाई देती है? फिर
इस वस्तु को आप कैसा मानते हैं, राजसिक, सात्विक या तामसिक? नहीं, आपकी दृष्टि में ये सुखदाई है कि दुखदाई है कि उपेक्ष है, कैसी है? क्या अब वही तो तीसरा हुआ ना, उपेक्ष मतलब वही है, तटस्थ, ना सुखदाई है ना दुखदाई है, तो ये तमस का परिणाम बता रहे हैं, तटस्थ वाला। ये कह रहे हैं, शास्त्र कह रहा है ना, ऐसे कहने से थोड़ी होगा। ये कह रहे हैं सत्व के कारण सुखदाई दिखाई देती है कोई चीज, रजस के कारण दुखदाई और तमस के कारण तटस्थ, उपेक्ष। तो अब बोलो आप, कौन से अर्थ में? इनको माइक देना एक बार। हाँ, अब बोलो ये कैसा है, सुखदाई है दुखदाई है या दोनों नहीं है? चल रहा है, चल रहा है, बोलो बोलो। दीदी जैसे आप ये फूल बोले ना, तो ठीक है, अगर कोई देखेगा तो सुंदर है, सात्विक दृष्टि देखेगा तो सुख होगा। नहीं नहीं, आप अपने बता दो, व्याख्या मत करो, आपको कैसा लग रहा है ये? और जो गुणातीत होकर देखेगा उसको कुछ नहीं होगा। कोई नहीं, आपकी जो दृष्टि वही बता दो, आप गुणातीत हो तो वही बता दो। तो मैं तो आपको क्या लग रहा है ये देख के? मैं तो गुणातीत दृष्टि से देख रहा था इसको। तो गुणातीत दृष्टि वो स्थिति आपकी है या फूल की है? मेरे चित्त में ऐसा एक भाव है। अभी तो आपने जो उत्तर दिया था, आपने कहा था कि वो वस्तु की स्थिति होती है, तो ये वस्तु गुणातीत है या आप गुणातीत हो, ये बताओ। मेरे मन में ऐसा भाव है। मेरा मन कहा तो गुणातीत कहाँ हुआ भले आदमी? मन तो गुण से ही बनता है, त्रिगुण से ही बना है, अहंकार से बना है मन तो। ये बाह्य रूप से बोला मैं, गुणातीत कोई सामान्य चीज थोड़ी है। तो ऐसे क्यों बोला आपने फिर दर्शन की कक्षा में बैठ के कि मैं तो गुणातीत हो रहा? गुणातीत हो जाओगे तो ना दृष्टि रहेगी, दृष्टि तो गुण का ही विकार है, ना दृष्टि का साधन रहेगा, तो हमें तो मतलब सिद्धांत विरुद्ध बात को नहीं बोलना है ना। अच्छा और बताइए, ये फूल किसको कैसा दिखाई दे रहा है, सुखदाई किनको दिखाई दे रहा है, किसको सुखदाई दिखाई दे रहा है? अपना अपना उठाना है, आपने अपना तो उठाया नहीं, बाकी के बारे में कह रहे, सभी को दे रहा है। दुखदाई किसको दिखाई दे रहा है? अन्ना जी, अच्छा दुखदाई किसको दिखाई दे रहा है? रजोगुण से युक्त कोई नहीं है। उपेक्षा से युक्त किसको दिखाई दे रहा है? अब हाथ कौन उठाए, उपेक्षा तो कईयों की थी, पर उपेक्षा कहते तमोगुण आ जाएगा फिर। तो आप सबको ही ये सुखदाई दिखाई दे रहा है, तो क्या ये एक ही गुण से बना है? क्या सत्व गुण से बना है? तो ये सत्व रज तम ये वस्तु में हो की दृष्टि से देखेंगे तब वस्तु वैसी दिखाई देगी, या व्यक्ति में देखेंगे तब वैसी दिखाई देगी? चित्त की दृष्टि से कह रहे हैं ये, हमारे चित्त में जिस गुण की प्रधानता होगी ना, वैसा हमें संसार दिखाई देगा। है तो त्रिगुणात्मक ही, लेकिन दिखता है हमारी स्थिति के अनुसार। जल्दी पूछो, एक मिनट बची है। जैसे जब बारिश होती है तो किसानों के लिए तो सुखकारी होती है, किंतु एक गरीब झोपड़े में वो पानी टप 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 करती है, वही बारिश उसके लिए दुखकारी होती है। बिल्कुल। और पक्के मकानों में रहने वालों उपेक्षा होती है, क्योंकि उसे ना खेती करनी है ना उसका मकान टपक रहा है, उसे कहीं जाना भी नहीं। वो नया क्या कह रहे हो? वो तो वही बात ये कह रहे हैं, आपने उदाहरण बदल दिया, बात बताओ ना, क्या कहना चाह रहे हो? तो ये व्यक्ति की उपलब्धि पे डिपेंड करता है। उपलब्धि नहीं, व्यक्ति के चित्त की स्थिति बोलते हो ना आप। नया अब जैसे कोई कहता है आज दिन अच्छा है, कोई कहता है वही दिन खराब है, तो यही तो चर्चा कर रहे थे, फिर आप इसमें नया क्या जोड़ रहे? यही चर्चा है, तो उसकी उपलब्धि देखा जा रहा है, उसकी उपलब्धि हो रही है तो। अरे शब्द बोल दिया आपने, हम कह रहे हैं कि वो चित्त की जैसी स्थिति है, आप कह रहे हो उसकी उपलब्धि है।
उपलब्धि भी तो ये उपलब्धि माने प्राप्त होना, प्राप्त और प्राप्ति जो है वो हमारी चित्त की स्थिति के अनुसार होती है उपलब्धि, जैसे हमारी चित्त की स्थिति वैसी हमारी उपलब्धि। वस्तु तो त्रिगुणात्मक ही है सारी, पर हमें कौन सा दिख रहा है उसमें, हमें वो ही दिखेगा जो हमारे चित्त में बढ़ा हुआ है। लेकिन अगर गरीब भी है तो भी उसको बारिश तो चाहिए, लेकिन फिर भी वो जानता है कि बारिश होगी तो घर गीला होगा। चलो इस पे और चिंतन कर लेना, अभी टाइम हो गया, अब तो विराम लेना पड़ेगा, शेष चर्चा कल कर लेंगे, तो आज ही विराम देते हैं कक्षा को। ओ शांति 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 ही श्री गुरुभ्यो नमः। हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर, हे समर्थ है करुणा सिंधो, हे समर्थ है करुणा सिंधो, विनती ये स्वीकार करो, विनती ये स्वीकार करो, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो, पीर हरो हरि पीर हरो, 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 हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे ज्ञानेश्वर हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर, ॐ श्री गुरुभ्यो नमः।